बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको कायम कायम रखे और सलामत रखे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये दुनिया का सबसे नायाब और बड़ा चैनल बन जाए जिसमें अमलियात से लेकर वजायफ तक लाखों की तादाद में शामिल किए जाएं और आपकी दुआएं मेरे साथ रहें। आयतुल कुर्सी से पढ़ने से क्या होता है? जितना भी जादू हो, 3 मरतबा आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, आपके घर में तमाम जादू ख़त्म हो जाएगा। आयतुल कुर्सी, अगर आप किसी को दौरे पड़ते हों या जिन्नात का असर हो, कोई साया हो या आपको लगता हो कि ये बीमार है, ख़ासकर दौरों की बीमारी हमेशा जिन्नात या कोई ऐसे असर असेब साए की वजह से होती है, आयतुल कुर्सी 3 दफ़ा पढ़ के उसके ऊपर दम करें, उसको पानी पिलाएं, तो 3 दिन के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आज जो मैं आपको बता रही हूँ वजीफ़ा, आपने नमाज असर के बाद 33 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, पढ़कर पानी पे दम करके अपने घर में रख लेना है। अगर आप कहीं कारोबार करते हैं तो वहाँ पर यकीन माने कि ये वजीफ़ा मैंने किसी ऐसी बहन को बताया जो बहुत परेशान हाल थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों की वो मालिक है और बहुत बेहिसाब उनके पास रिस्क है। और यकीन माने, ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह पाक शफा नहीं देते, ठीक है, अल्लाह पाक के हाथ में है। तो आपने आयतुल कुर्सी पढ़ के आपने ये अमल करना है। आयतुल कुर्सी पढ़ के 33 मरतबा किसी भी मतलब के किसी के पास चले जाओ जिससे आपने पैसे लेने हो, कर्ज किसी को दिया हो वो नहीं देता हो, कोई तंग करता हो, कोई जालिम हो, कोई दुश्मन हो, 1 मरतबा तसव्वुर में रख के आप उसके पास चले जाएं। 33 मरतबा तसव्वुर में उस शख्स को फूंक मार के आप चले जाएं, यकीन माने वो मुत्तकी हो जाएगा और मुसख़र होगा और मुत्ती होगा। इसके बाद अगर आप के बच्चों के पेपर्स होते हैं, रिजल्ट की वजह से बच्चे भी सुबह सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ें, 33 मरतबा पढ़ के दुआ करें, यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये मसला हल हो जाएगा। आयतुल कुर्सी के बहुत से फजाइल हैं जिनमें से कई मैंने आपको बता दिए हैं। मेरा ख्याल है कि आगे आगे आने वाली वीडियोस में आपको इससे भी ज़्यादा मैं बताती रहूँगी, ठीक है। ये जो असर का वक़्त का है बीमार लोगों के लिए है, असर के वक़्त बीमार लोगों के ऊपर 33 मरतबा आपने पढ़कर दम करना है और उनको इसी आयतुल कुर्सी का जो दम किया वह पानी भी आपने पिलाना है, पानी के अंदर फूंक मार के उनको पिलाएं, ठीक है। अगर असेब का शुबा हो या कोई ऐसा ख़तरा हो तो पूरे घर में उसके ऊपर भी छट्टे मारें और घर में भी छट्टे मारें, ठीक है ना। बाथरूम को छोड़ दीजिएगा, बाकी तमाम पाक जगहों पर दीवार पानी नीचे ना गिरने पाए, दीवारों पर गिरे यकीन माने जल जाएंगे सब जितने भी जिन्नात हैं, क्योंकि आयतुल कुर्सी को कभी आप तर्जमा पढ़े ना तो यकीन माने रूह को सुकून मिलता है। बहुत प्यारा ये अमल है, ज़रूर कीजिएगा। आज की सबसे प्यारी बात हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से है कि दोज़ख बिलाशुबा इन लोगों का मुकाम है जो नेक कामों में कोताही करते हैं, हज़रत अली, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी बातें हैं, ठीक है, ये साथ साथ आपके साथ चलेंगी। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये वज़ाइफ आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं ताकि औरों की भी मदद हो सके और आपका जो मसला है वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप एक नेकी को फैला रहे हैं, उसको उसका अजर स्वाब आपको मिलना है। आपको पता ही नहीं है आप कितनी नेकी फैला रहे होंगे, उसका अजर तो आपको पता ही नहीं होगा। आखिरत में जब इकट्ठा हो के आएगा तो आपके चेहरे नूर से रोशन होंगे। तो इसलिए कहती हूँ कि अमल को फैलाया करें।